नमस्कार, न्यूज लाइव प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संगीता तिवारी। जमुआ प्रखंड के ढीमीटाण गांव के पास पुल धस जाने से लोगों को आने जाने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। खासकर बरसात के मौसम में पानी का बहाव टूटे हुए पुल से भी ऊपर हो जाता है, जिससे बच्चे तथा आम लोगों को स्कूल और मार्केट जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पुल धसने में करीब 4-5 साल बीत गया है। गांव के ही कुछ लोग अपना पैसा लगाकर किसी तरह मिट्टी डलवा कर आना जाना कर रहे हैं। ग्रामीणों ने यह भी कहा कि यह टूटा हुआ पुल कभी भी और किसी भी समय बड़ी हादसा को अंजाम दे सकते हैं। जमुआ प्रखंड के ढीमीटाण गांव के पास पुल धस जाने से लोगों को आने जाने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। खासकर बरसात के मौसम में पानी का बहाव टूटे हुए पुल से भी ऊपर हो जाता है, जिससे बच्चे तथा आम लोगों को स्कूल और मार्केट जाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पुल धंसने में करीब 4-5 साल बीत गया है। गांव के ही कुछ लोग अपना पैसा लगाकर किसी तरह मिट्टी डलवाकर आना जाना कर रहे हैं। ग्रामीणों ने यह भी कहा कि यह टूटा हुआ पुल कभी भी और किसी भी समय बड़ी हादसा को अंजाम दे सकते हैं, इसलिए ग्रामीण लोग बरसात आने से पहले पुल को बनवाने की मांग कर रहे हैं। मौके पर समाज सेवी किशोर बैठा, मुकेश पंडित, सहदेव, सुखदेव तथा गांव के कई लोग समेत महिलाएं भी।